नुमाना मैं सिद्दीकी एक फिर आपके सामने हाजिर है और हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेन अर्निंग्स। फर्स्ट लेक्चर हम रिटेन अर्निंग का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर रिटेन अर्निंग, रिटेन मतलब बचा के रखना। बचा के रखना क्या? अर्निंग्स, कमाई, कमाई को अपनी बचा के रखना, दिस इज व्हाट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, तो बचपन में आप लोग क्या करते थे? आप लोग करते थे ये कि कुछ पैसे गुल्लक में डाल देते थे, कुछ पैसे आप लोग गुल्लक में डाल देते थे। वो पैसा क्या था आपकी? इनकम। पैसा क्या था आपकी? इनकम। वो गुल्लक में जो पैसा जा रहा है, वो गुल्लक में जो जा रहा है वो भी इनकम है, वो भी आपकी इनकम है। अब लेट से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर एक छोटी सी एग्जांपल अज्यूम करें, आपके गुल्लक में सिर्फ 10 रुपये, आज आप गुल्लक में 5 रुपए डालने जा रहे हैं। तो जब आप 5 रुपए गुल्लक में डाल देंगे, जब आप 5 रुपए गुल्लक में डाल देंगे तो गुल्लक में कितने हो जाएंगे? 15। रिटेनिंग का बैलेंस बढ़ जाएगा, गुल्लक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो 5 रुपए जो आपके पास इनकम थे वो खत्म हो जाएंगे, वो भी इनकम है, वो खत्म हो रही है। सही है, ये एग्जाम्पल देने की सर जरूरत क्या थी? थोड़ी देर में भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल देने की असल में जरूरत क्या थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो है सर, अगर मैं आपसे बात करूं उसके बाद कुछ रिजर्व पे, क्योंकि इस टॉपिक में एक नाम हमारे पास बहुत आएगा, रिजर्व। तो सर रिजर्व मतलब कुछ पैसा निकाल के साइड पर रख देना। सर मेरे पास एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, जो मैं डिविडेंड्स वगैरह दे रहा होता हूँ लोगों को, उस वो आ जाते हैं इसके अंदर। भाई कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो फिर वो डिविडेंड भी तो लोगों को देगी ना, प्रॉफिट का हिस्सा भी तो देगी लोगों को। तो ये हो जाता है, ये कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व। उसके बाद सर एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता है बेसिकली, अगर आपने कोई फिक्स एसेट अबव कॉस्ट बेचा, कोई लैंड थी, कोई बिल्डिंग थी, मशीनरी थी, प्लांट था आपके पास 100 रुपये का, लेट्स से 120 रुपये का बेचा आपने, सही है, या रिवैल्यूएशन वगैरह करा ली उसकी, सही है, ये आया था मेरे पास कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसके बाद सर होते हैं कुछ जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व क्या है? बेसिकली नागहानी आफात, हम बस ऐसे ही पैसे निकाल के साइड रख लेते हैं, यार अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो काम आ जाएगा। घरों में भी ऐसे होते हैं, कुछ पैसे आप साइड में वैसे ही बचा के रख लेते हैं, काम वाम नहीं है, नागहानी आफात कुछ आ गई, अल्लाह ना करे कुछ भी हो गया, चुन्नू मुन्नू के पैंपर्स खत्म हो गए, चुन्नू मुन्नू बीमार हो गए, बेस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सही है। तो ये होते हैं कुछ रिजर्व हमारे पास, सही है भाई। तो अब मैं आपके सामने रिटेन अर्निंग का अगर मैं बताऊँ सर, इसके सवाल में रिक्वायरमेंट कितनी टाइप की आपको आ सकती है? रिक्वायरमेंट सर इसमें रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? जर्नल एंट्रीज मांगते हैं, जो है ये आपसे सर मैंने कहा आपको अप्रोक्स 95% केस में मांग रहा होता है। सर उसके बाद जो है ये टी अकाउंट मांगता है या स्टेटमेंट मांगता है, नॉर्मल इन दोनों में से कोई एक मांगता है, और बहुत ही रेयर केसेस में उसने जो है पार्शियल बैलेंस शीट इसमें बनती है सर, पार्शियल मतलब आधी, ये भी मांग लेता है, बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत कम, सही है। तो मैक्सिमम जो है हमारे पास ये 4 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जर्नल एंट्रीज, टी अकाउंट, स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो मैं फर्स्ट सवाल आपको कराऊंगा यहाँ पे, और उसमें मैं आपको 4 रिक्वायरमेंट करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस सर मैंने कहा भरपूर वाली हो जाए। अब आपके सामने मैं एक सवाल लगा रहा हूँ, मेरे हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो ये आपके सामने सवाल आ रहा है, दिल थाम के बैठे हैं उसको देखें, जिनके पास मेरे क्वेश्चन बैंक है वो उसमें देखें। कुछ कंपनी का आपको नाम बताया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल के सर डिटेल दी हुई है हमें, और बला बला कुछ चीज़ें दी हुई है सर। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट में बोलता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले जब जर्नल एंट्रीज की बात की है सर, जब उसने जर्नल एंट्रीज की बात की है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपके सामने जर्नल एंट्रीज, सही है। तो सर मैं लगा हूँ जर्नल एंट्रीज बनाने, उससे पहले मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूँ जर्नल एंट्रीज के लिए। जैसे कि जर्नल एंट्री का बेसिक फॉर्मेट होता है, आपने एसटीए वगैरह में देखा होगा, सीरियल नंबर डाल देता हूँ मैं सर। उसके बाद
32 plus. इधर कंपनी का नाम लिख दूंगा मैं, ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने. क्या सर? मैं कर रहा हूँ आपके सामने रिक्वायरमेंट नंबर. ये पहली एंट्री आप क्या बनाएंगे? पहली एंट्री हम बनाएंगे जब पूरे साल में, देखें हर साल मुझे जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन हर साल मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, मैं उसको रिटेनिंग में डाल देता हूँ, वहाँ से फिर खर्चे करता हूँ. फिर दूसरे साल मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, मैं वही बच्चे भी रिटेनिंग में डाल देता हूँ, फिर वहाँ से कुछ खर्चे करता हूँ. दरअसल अगर मैं आपको और एग्जाम्पल इसकी दूँ, कुर्सी और ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं सर, और एग्जाम्पल लेते हैं एक और थोड़ी सी. देखें लेट से मेरा ईयर वन था, ईयर वन में मेरा सर प्रॉफिट हुआ लेट से 100 रुपये का. सर मैंने जो है डिविडेंड वगैरह निकाल विकाल इसको रिटेनिंग में डाला, उसके बाद जो है सर मैंने डिविडेंड वगैरह निकाल विकाल के सब कुछ मैंने निकाले लेट से 35 रुपये के. रिटेनिंग का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? क्लोजिंग बैलेंस जो बच गया, पूरा बच गया मेरे पास है, कितना बचा है सर रिटेनिंग? 65 है. नेक्स्ट ईयर ईयर टू पे सर मुझे जो है प्रॉफिट हुआ लेट से वंस अगेन 100 रुपये का. सही है, मैंने इसको रिटेनिंग डाला, रिटेनिंग का कितना बैलेंस हो गया? 165 सर. इसमें से मैंने फिर जो है डिविडेंड और सारी अप्रोप्रिएशन की लेट से, और अप्रोप्रिएशन सारी कर ली मैंने, सब खर्चे अच्छे निकाले, खर्चे बने दबा लेट से 50 रुपये के, 60 50 रुपये के. तो अब मेरे पास रिटेनिंग का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का कितना होगा जो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें कोई खर्चा और नहीं करना, कोई खर्चा और नहीं करना, वो बचा हुआ 115 रुपये. फिर मैं आया ईयर थ्री पे सर मुझे प्रॉफिट हुआ लेट से वंस अगेन 100 रुपये का. मैं इसको 115 में ऐड कर दूंगा, टोटल रिटेनिंग का बैलेंस कितना हो जाएगा सर? 215. सर मैं सारी अप्रोप्रिएशन की, सारी अप्रोप्रिएशन बनी वंस अगेन 50 रुपये की. तो मेरा रिटेनिंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा सर? माइनस करते हैं 50, कितना होगा? हमने कहा कुछ करीबन 165 आई गेस. सही है भाई. तो ये कुछ मेरा समझाने का मकसद था आप लोगों को कि रिटेनिंग का आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो. आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और मैं इसको मिटा रहा हूँ. चलें भाई अब मैं आ रहा हूँ नीचे. और हम सवाल के जवाब पहली एंट्री में बनाता हूँ जब मैं इनकम को रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, उसकी मैं बनाता हूँ पहली एंट्री. जी हाँ, मैं पहली एंट्री बनाता हूँ जब मैं इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करता हूँ, उसकी मैं बनाता हूँ सर पहली एंट्री. चलें सर पहली एंट्री क्या बनेगी? देखिए जब इनकम रिटेन अर्निंग में जा रही होगी, देखिए इनकम भी क्रेडिट पर है, रिटेन अर्निंग का अपना बैलेंस भी क्रेडिट पर है. अब मैं इनकम का क्रेडिट बैलेंस रिटेन अर्निंग के अंदर गिरा रहा हूँ, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रिटेन अर्निंग के अंदर गिरा रहा हूँ. इनकम का ये बैलेंस खत्म हो रहा है जो साल में, जो पूरे साल में इनकम हुई, इसका ये बैलेंस खत्म होगा तो क्या होगा? डेबिट. और रिटेन अर्निंग के जाके गिरेगा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट. दोनों अकाउंट सेम है, सिंपल एक जेब से पैसे निकाल लें, दूसरी जेब में पैसा डाल रहे हैं. सर इनकम देखें, इनकम नॉर्मल ऊपर दी हुई होती है बट अक्सर घुमाने के लिए नीचे दे देता है. देखिए ये लिखा हुआ इनकम के बाद, सही है. क्लोज्ड नेट इनकम ऑफ ₹188 फ्रॉम इनकम सबली अकाउंट टू रिटेन अर्निंग अकाउंट, सही है. एक्सपेंस रेवेन्यू सबली को मैं करूँगा डेबिट. ये एक नाम है इनकम के अकाउंट का, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. समरी को मैं करता हूँ डेबिट सर कितने से, और रिटेन अर्निंग में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ जाएगा. तो अगर लॉस जाएगा तो उल्टी एंट्री बन जाएगी, ये लॉस रिटेन अर्निंग को कम कर देगा, रिटेन अर्निंग कम होगा डेबिट.
तो उसके बाद सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस निकालूंगा मैं। इस साल मैंने एक फैसला किया है, मैं प्लांट एक मशीनरी को खरीदूंगा, जो भी करूंगा उसका कोई एक ऐसा मेरा काम है प्लांट एंड मशीनरी के नाम पर। 4,00,000-5,000 जिसके अंदर जाएंगे। मैं रेंडिंग से फौरन पैसा निकाल लिया। अच्छा सर, नरेशन 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 टू रिकॉर्ड इज फॉर सॉरी सॉरी टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर है नहीं तो सही भाई। उसके बाद सर दूसरी इंटरव्यू मैंने जो है फैसला किया था कि प्लांट मशीन वगैरह खरीदूंगा। रिटर्न अर्निंग का पहले से निकाल के मैं एक साइड कर लूँगा, रिटर्न अर्निंग का बैलेंस कम हो जाएगा कितने से 4,00,000। और ये पैसा डालूंगा किस में मैं, सॉरी सर डेस्टिनेशंस क्या होंगे, डेस्टिनेशन मिल जाएगी मेरे को टू रिकॉर्ड। भाई ये मैंने जो है प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिजर्व निकाल के रखा हुआ है, सही रिजर्व कर दिया पैसा क्या, इससे मैं प्लांट एंड मशीनरी का काम करूंगा। तो वहाँ से निकाल लो पैसा, जब वहाँ से पैसा निकलेगा तो रिटर्न अर्निंग का, जब भी पैसा निकलेगा क्योंकि रिटर्न अर्निंग इनकम का अकाउंट है, जब भी वो कम होगा तो क्या होगा सर, वो होगा हमने कहा डायरेक्ट। उसके बाद सर मैंने और क्या सोचा है, मैं सोचा है कि मैं इनकम टैक्स पे करूँगा 1,17,000 रुपये का। सर मैंने सोचा है मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, तो वंस अगेन रिटेन अर्निंग्स को मैं करूंगा डेबिट। और क्रेडिट क्या करूंगा मैं, रिजर्व फॉर पेबल भी कर सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सेट है भाई। उसके बाद सर मैंने और क्या सोचा है, मैंने और सोचा है मैं सिंकिंग फंड ना जाने आपका कुछ ऐसे डूब जाए पैसा, बैड डेट हो जाए मेरा कोई। सिंकिंग फंड में नॉर्मली बैड डेट्स वगैरह आ रहे होते हैं कि यार या कहीं इन्वेस्टमेंट की है वो बिजनेस फ्लॉप होने वाला है मेरा, मुझे अभी से अंदाज़ा हो गया, खटका लग रहा है कि यार गया पैसा, फंड डूब गया, गया पैसा। सेट है, या कोई बैड डेट्स वगैरह की बात हो जाए। तो सर ये 14,500 का मैंने बनाया सिंकिंग फंड का रिजर्व। वंस अगेन जब पैसा रिटर्निंग से निकलेगा तो रिटर्निंग क्या होगा, चौदह 500 एंड रिजर्व फॉर भाई। उसके बाद इंट्री नंबर दे, अच्छा नॉर्मली इतनी ज़्यादा एंट्रीज आती हैं, पास पेपर के सवाल देखेंगे पानी में, जो एक आपको सवाल कराऊंगा अभी जो है पास पेपर का इस वीडियो के बाद, तो आप देखेंगे उसमें इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं आती। क्लियर, स्टॉक डिविडेंड, अच्छा पर शेयर सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर शेयर सर ये पर शेयर क्या होता है, देखें पर शेयर एक शेयर पे तो सर हमें देखना होगा नंबर ऑफ शेयर्स। जब पर शेयर की बात आएगी सर, जब पर शेयर की बात आएगी तो मुझे देखना होगा फौरन नंबर ऑफ शेयर्स, ये बात अपनी याद रखें आप। और जब सर परसेंटेज की बात आएगी, परसेंटेज लगता है सर, मेरे को परसेंटेज लगता है अमाउंट पे। अब देखें जब पर शेयर है तो सर पर शेयर किस पे लगेगा, पर शेयर लगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपके पास, 80,000 नंबर ऑफ शेयर आपके पास। और सर जब परसेंटेज की बात आएगी, जब एट द रेट परसेंटेज की बात आएगी, जैसे सर जब परसेंटेज की बात आएगी तो ये परसेंटेज लगेगी सर उसी शेयर्स वाले की अमाउंट पे,
है, तो ये आपने समझना है, ये आपने सर याद रखना अपने पास। स्टॉक डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है सर, वंस अगेन क्रेडिट एंड डेबिट। और स्टॉक डिविडेंड पेबल इसको निकालूंगा कैसे मैं, 80,000 इंटू 1.40 जो भी बने सर, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे क्विकली, जो भी बनता है हमें पता चल जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे फौरन, 1,12,000 रुपये बन रहे हैं सर ये यहाँ पे। अच्छा सर, इसकी नरेशन क्या बनेगी, वंस अगेन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर स्टॉक डिविडेंड सेट है, उसके बाद छठी एंट्री पे आता हूँ मैं। तो मैं छठी एंट्री पे आ रहा हूँ, छठी एंट्री में जो है कॉन्टीजेंसीज मतलब आ गया नहीं आ पाता, मुझे खदशा हो रहा है यार कोई बीच में कोई बीमार ना हो जाए, कोई कोई भी मसला ऐसा हो जाए, हज़ारों बातें हो सकती हैं सर। वंस अगेन इट अर्निंग डेबिट विद 34,000 और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। अभी तो सेम अमाउंट 34, नेशन क्या बन जाएगी, मैं उनसे कहने पर नेशन बन जाएगी टू रिकॉर्ड सही है। अच्छा भाई, इसके बाद सर मेरी एक और जो है एंट्री रह गई है, एंट्री नंबर 7 की तरफ मैं आता हूँ। वंस अगेन जो है मेरा रिटेन अर्निंग तो होगा डेबिट ही, मुझे पता है। और मैं सर जो है कैश डिविडेंड आई थिंक पे किया था सर, कैश डिविडेंड पे किया और 8% है, तो 8% किस पे लगेगा, 8,00,000 पे लगेगा। अब 8% एक मैंने डिविडेंड दिया स्टॉक मतलब शेयर्स दिए हैं डिविडेंड के नाम पे, प्रॉफिट नाम पे शेयर्स दिए हैं, और एक दिया पैसा सर कैश डिविडेंड पे। सही है, ये कैसे लगेगा सर, 8% ऑफ व्हाट, 8,00,000। सही, देखें अमाउंट कितनी आ रही, जल्दी से आप लोग करें अपने पास। सही आ रहा है 60। नरेशन क्या बन जाएगी सर, नरेशन बन जाएगी इसकी, नहीं भाई तो ये देखें एंट्री ज़्यादा थी सर, एग्ज़ाम में इतना बड़ा सवाल आ सकता है, नहीं भाई एग्ज़ाम में इतना बड़ा सवाल आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका 10 नंबर का सवाल होता है सर, इतना बड़ा सवाल इतनी ज़्यादा एंट्रीज या इतना रिक्वायरमेंट सवाल में नहीं हो सकते सर। हमारा रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग दिया हुआ है सर, रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं आपके सामने सर। स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं, मैं नाम लिखूँगा सबसे पहले कंपनी का, फॉर द ईयर बनता है सर, फॉर द ईयर एंडेड। एक बार ईयर देख लें सर, ईयर क्या था सवाल में हमारे पास, 31 जनवरी होगा ना, 1 जनवरी को दिया हुआ, 31 जनवरी है सही है, 31 सॉरी नंबर होगा ना, मैं कुछ करता हूँ दिसंबर 31 2013। देखें स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग्स आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे 2 मिनट सारे काम वाम छोड़ के 2 मिनट और से देखिए यहाँ पे इधर उधर के काम जो आप कर रहे हैं, अगर तो इसको छोड़ दें प्लीज़ 2 मिनट।
तो सबसे पहले आपने लेना है रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बोले या अन अप्रोप्रिएटेड बोले, एक ही बात है सर। तो ये अनअप्रोप्रिएटेड क्या था ऊपर आए देखा दिया हुआ था आपको। सर ये देखें अनअप्रोप्रिएटेड बैलेंस क्या दिया हुआ था आपको, 7,05,000 रुपये। सही है। तो सबसे पहले आपने लेना है ये कि गुल्लक में पहले इतने रुपए थे, गुल्लक में पहले कितने रुपए थे? गुल्लक में पहले थे 7,05,000। उसके बाद मैं आया, मैंने आके इसमें नेट इनकम को कर दिया ऐड। सर नेट इनकम कितनी थी? सर वन, अभी आपने एंट्री बनाई थी इसकी सर। तो गुल्लक में जब ये पैसे डाल दिए मैंने, गुल्लक में पहले से 7,05,000 थे, तो गुल्लक में टोटल कितने हो गए? फॉर अप्रोप्रिएशन कितने हो गए सर? इन दोनों को सम कर लेंगे। तो सम करके क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो। तो ये आ रहा है 2585। यहाँ पे एक लाइन भी लग जाएगी सर इसके नीचे। सही है सर। उसके बाद जितने अप्रोप्रिएशन हमने की थी सर वो तो सारी मैं करा दूंगा लेस। सही है सर। सर अप्रोप्रिएशन क्या क्या थी मेरी, क्या क्या मैंने खर्चे बनाए थे? रिजर्व फॉर प्लांट एंड मशीनरी 4,05,000, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स। सर एंट्री से मैं तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। रिजर्व फॉर कुछ करें, सारे वन लाइन में आ जाएगा। तो इट्स टू गुड। उसके बाद रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड 14,500। उसके बाद जो है रिजर्व फॉर स्टॉक डिविडेंड पेपर 1,12,000। उसके बाद सर रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी 34,000। और आखिर तक कैश डिविडेंड आई थिंक। सर मेरे ख्याल में था 64,000 रुपये का, मैं एक दफा चेक कर लेता। सही है भाई। सर टोटल कितने हुआ? टोटल टोटल कर लें इसका, टोटल अप्रोप्रिएशंस टोटल कितने हुए सर? इसका टोटल करेंगे हम और उसमें आ ले आके हम करवा देंगे सर। मैंने कहा माइनस यहाँ से सर टोटल कर लेते हैं, आप भी करें मैं भी करता हूँ। सही है भाई, मैंने कर लिया टोटल सर। उसके बाद मैं लगा दूंगा नीचे लाइन आंसर जो है मैं कर दूंगा
ये बन जाएगा मेरा जो आंसर आएगा रिटेन अर्निंग्स एंडिंग बैलेंस सारी एप्लीकेशन निकालने के बाद। फिर कितना आएगा सही है मेरे पास कुछ बन रहा है सही है भाई। मैं क्या किया है मैं यहाँ पे जो है एक सेट का लगा लगा के आप लोग को जो है सर मैंने क्या किया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वालों को सब कुछ सम करके टोटल में लिखा है सही है भाई। तो ये एंडिंग बैलेंस हो गया एंड दैट सेट ये हो गया मेरा खत्म। तो इसको डबल क्लोज करते हैं हम नीचे सही है ये मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद सर मैं टी अकाउंट बनाता हूँ और आई थिंक टी अकाउंट के बाद मेरे पर टाइम नहीं रहेगा मैं बैलेंस शीट की तरफ जाऊँ। तो टी अकाउंट की अगर मैं बात करूँ टी अकाउंट में क्या करना है सिंपल आप लिखें रेट टेन अकाउंट एकदम बड़ा ज़्यादा कितना पड़े सर मैं आपको समय बता रहा हूँ रिटेंस का अकाउंट अगर टी अकाउंट मांग ले कभी टी अकाउंट मांग लेता है कभी स्टेटमेंट मांग लेता है नॉर्मली दोनों में से कोई एक चीज़ ये मांगता है। सर टी अकाउंट बनाते हैं रिटेन अर्निंग क्या है सर रिटेन अर्निंग वंस अगेन मैं रिपीट करा दूँ आपको रिटेन अर्निंग मेरा जो है मैंने कहा इनकम का अकाउंट है। रिटेन अर्निंग मेरा क्या है भाई रिटेन अर्निंग सर इनकम का अकाउंट है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ रिटेन अर्निंग मेरा इनकम का अकाउंट है। रिटेन अर्निंग मेरा इनकम का अकाउंट है सर रिटेन अर्निंग देखें फिर बता दूँ रिटेन अर्निंग का इनकम का अकाउंट है। वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड जैसे होता है टी अकाउंट मैं आपको बचपन से ये बोलता आ रहा हूँ बट इनकम के केस में डेबिट मतलब माइनस क्रेडिट मतलब प्लस। सर ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ पे होगा ओपनिंग बोले या आप इसको बी डी बोले कितना था सर 705 जिसको आपने अनअप्रोप्रिएटेड बोला उसके अंदर सर आपने जो थी इनकम को ऐड करवाया था जब इनकम को ऐड करवाया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट प्लस हुआ होगा तो कितनी थी इनकम तो उसके बाद जब जब आपने एप्रोप्रिएशन लेस एप्रोप्रिएशन बनाई तो आपने रिटेन अर्निंग को क्या किया डेबिट किया मतलब माइनस किया। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सेट पे तो कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी तो सारे नाम लिख जाते हैं हम और चेक कर लूँ कितना टाइम जो है मेरे पास अच्छा सर उसके बाद आपने एक बनाया प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या था सिंकिंग फंड इनकम टैक्स सही सर उसके बाद आपने बनाया था आई गेस सिंकिंग फंड उसके बाद आपने बनाया स्टॉक डिविडेंड पेबल बाद में आता है रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज
डिविडेंड क्या है डिविडेंड मेरे पास 50 सर। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, हम करते हैं सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस का निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से कमी आएगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा इसका सीडी बोलें या आप बोलें सर इसको क्लोजिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस, इसका वही होगा एंडिंग बैलेंस होगा सर। आपके पास जो स्टेटमेंट में आ जाते हैं सर, ये स्टेटमेंट ही तो है ओपनिंग बैलेंस नेट इनकम ऐड, तो स्टेटमेंट तो ये रहता है ओपनिंग बैलेंस नेट इनकम ऐड, टोटल बन गया कुछ यहाँ पर, टोटल क्या नहीं हमने ये बनता टोटल भी इसका। उस पर सारी एप्लीकेशन लेस डेबिट कर दिया, डेबिट मतलब लेस ही तो है इनकम के अकाउंट में, डेबिट मतलब लेस 1838500 यही बनेगा, आप करके देख लें। ये बन गया आपका सीडी। सीडी के बाद क्या करते हैं सर, अब ये तो आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं, सीडी के बाद हम क्या करते हैं, सीडी के बाद वीडियो होता है सर, सही है। सीडी में डबल क्लोज, पहले डबल क्लोज सर मैक्सिमम अमाउंट पर, डबल क्लोज टोटल अमाउंट जो भी बनता है इसका, तो टोटल क्या बनेगा मैं बताऊँ आपको, टोटल क्या बनेगा, ये टोटल इनकम थी आपकी 2585000। डबल क्लोज के बाद क्या होता है सर, डबल क्लोज के बाद होता है हमने कहा बीटी, क्या होता है भाई बीडी, ये भी रहेगा बीडी भी सर, ये आ जाएगा तो सीडी था 18 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये हमारा, सही है भाई। तो मैं बैलेंस शीट की तरफ से नहीं बढ़ रहा, इंशाल्लाह बैलेंस शीट जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, बैलेंस शीट पे मैं जाऊंगा, अभी मैं बैलेंस शीट की तरफ नहीं जा रहा ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस। मैं आपको रिवाइज करा दूं क्विकली, देखें रिटेनिंग में सबसे पहले आपने एंट्रीज बनाई, एंट्री में जब एक्सपेंस रिटेनिंग में जाएगा तो रिटेनिंग क्रेडिट होगा और जो है एक्सपेंस रेवेन्यू सॉरी सर डेबिट होगा, अगर लॉस जाएगा तो उल्टी एंट्री बन जाएगी, रिटेनिंग डेबिट होगा एक्सपेंस रेवेन्यू सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, सही है। उसके बाद जब जब कोई एप्रोप्रिएशन बनेगी हमेशा 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 रिटेनिंग डेबिट होगा और जो एप्रोप्रिएशन होगी वो क्रेडिट होगी। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे, आगे चलते हैं मैं आपके सामने आ रहा हूँ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने लेना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में इनकम को ऐड करेंगे, इनकम को ऐड करके टोटल बन जाएगा, टोटल में सारी की सारी एप्रोप्रिएशन को हम कर देंगे लेस, एप्रोप्रिएशन को लेस करके एक टोटल लेंगे, टोटल एप्रोप्रिएशन लेंगे इस तरह से, एंड देन उसमें से रिटेन उसको ऊपर वाले बैलेंस से माइनस करवाएंगे 2585 माइनस 746500 तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस बनेगा सर। सेम टी अकाउंट है, टी अकाउंट में भी ऐसे करेंगे ओपनिंग बैलेंस देन इनकम को ऐड, अब ऐड का मतलब क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम में प्लस का मतलब क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट साइड पे लग गया इसका मतलब ऐड ही है वो। उसके बाद सारी जो एप्रोप्रिएशन है उसको हम ले लेंगे डेबिट साइड पे, मतलब लेस हो रही है, आपके पास वही आंसर आएगा जो आपके पास यहाँ पे आए, दोनों के दोनों आंसर जो है सर, इसका ये वाला आंसर और सर टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा टाई होगा अगर एक ही सवाल में आपके पास ये दोनों रिक्वायरमेंट्स होंगी, वैसे नॉर्मली नहीं होती है पास पेपर्स में, सही है। इंशाल्लाह इसकी एक और रिक्वायरमेंट है सर, बैलेंस शीट पार्शियल बैलेंस बनती है, बहुत कम आती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे, सही है भाई। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।